यात्रा का उद्देश्य देश के हर गांव की माटी को इकट्ठा करना है और इसी मुहिम में आज हमारे जिला गांव दिल्ली में नेशनल वार्ड का निर्माण किया जाए। उस निर्माण कार्य हेतु इस माटी का जिला रामबन के हर शहर से माटी को इकट्ठा करके ब्लॉक लेवल की से उठाकर जिला स्तर पर चलो सर इस माटी को नमन वीरों का वंदन अमृत कलश यात्रा जो 1 सितंबर से शुरू हुई थी और 30 अक्टूबर तक इसका जो प्रोसेस चला उसकी एक कड़ी है और उसका आज जो सभी ब्लॉकों से पंचायतों से जो मिट्टी है और राइस है वो पंचायत लेवल पे कलेक्ट किया गया और वहां से ब्लॉक में जमा किया गया और आज सभी ब्लॉकों से ये जो कलश हैं सभी यहाँ पे कलेक्टिवली सभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आने अपने अपने ब्लॉक से और म्यूनिसिपलिटी से भी यहाँ पर जमा हुए। ये कलश जो है जो हमारी 13 मेंबरी ऑफिशियल टीम होगी वो यहाँ से इनको कॉन्वोकेशन सेंटर जम्मू ले जाएंगे और वहां से ये दिल्ली के लिए रवाना होंगे जो 30 अक्टूबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो प्रोग्राम है उसमें इनको मार्टियर्स के नाम पे अर्पित किया जाएगा। इस ब्लॉक्स पंचायत से जो मेरी माटी मेरा देश का जो हमारा फेज शुरू हुआ था 1 सितंबर से लेके 30 अक्टूबर तक जो मिट्टी हमें हर ब्लॉक से हर पंचायत से कलेक्ट करनी थी वो आज कलेक्ट हो गई है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आज जमा हुई है सभी 14 ब्लॉक्स और म्यूनसिपल काउंसिल से जो यहाँ से जम्मू के लिए रवाना होगी और वहाँ से दिल्ली 30 अक्टूबर को जो प्रोग्राम होगा वहाँ पर मार्टियर्स को जो है अनुमत दी जाएगी हमारे प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम उसी को लेकर आज यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सभी वीडियोज और सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान और सभी PRIs को बुलाया गया था और यहाँ पर सभी हमारे कलर जो 14 ब्लॉक्स और म्यूनसिपलिटी के यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं जिसमें मिट्टी कुछ कलश में मिट्टी है और उसमें राइस को कलेक्ट किया गया है और हमारी 13 मेंबरी टीम जो है वो यहाँ से जम्मू और जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना होगी। आज उसी के लेके आज यहाँ मेरी माटी मेरा देश जो हमारी माटी को नमन और वीरों को उनका वंदन को लेके आज एक अमृत कलश यात्रा का ये प्रोसेशन का आगाज किया गया जिसमें काफ़ी हमारे स्कूली बच्चों ने जो है तरह तरह के जो हमारे मार्टियर्स से उनको अपने हुनर से जो है यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम का आगाज किया गया वो आज उसी के लिए यहाँ पे सब